ओम शांति। स्वयं भगवान ने इस संसार के खेल को एक सुंदर नाटक कहा है। सचमुच ये विशाल ड्रामा कितना सुंदर है, इसकी ब्यूटी को तो जरा देखें। कैसे ये सब संसार रचा गया, सूरज चांद तारे आकाश और अनेक ग्रह इसमें निर्मित हुए। कैसे हर आत्मा अपना अपना पार्ट इस विश्व के नाटक में बजा रही है। जो एक आत्मा का पार्ट न मिले दूसरे से, जो एक पल का पार्ट न मिले दूसरे पल से, सब कुछ बदलता जा रहा है। फिर भी मनुष्य पास्ट की बहुत चिंता करता है, फिर भी मनुष्य भविष्य की बहुत चिंता करता है, जबकि मालूम होना चाहिए भविष्य पूर्व निश्चित है, होगा वही जो ड्रामा में निश्चित है। इसका अर्थ ये कदापि नहीं कि हम अपना पुरुषार्थ छोड़ दें और ड्रामा में जो होगा उसको केवल देखें, ऐसा भी नहीं। हमें पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ करना है और निश्चित भावी पर निश्चिंत भी रहना है। देखिए कितना सुंदर ये नाटक है, 5000 साल में ही रिपीट होता है। जो घटना एक बार हो गई उसको पुनः आने में 5000 वर्ष लग जाएंगे। इसलिए कल तक आपके साथ जो कुछ बीत गया है वो पूरा हो गया। अब उसकी चिंता से, उसके चिंतन से, उसको याद करके परेशान होने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि उस सीन को न तो अब बदला जा सकेगा और न वो सीन जल्दी जल्दी रिपीट होगा। वो उसको तो 5000 वर्ष चाहिए रिपीट होने में। इसलिए हम पास को बार बार खोल कर न देखा करें। जैसे कहावत है, गड़े मुर्दे उखाड़ना, अर्थात पास्ट का चिंतन करना, उन्हें याद दिलाना, उन्हें याद करना। अगर हम गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो मुर्दों से क्या आएगी हमें? बहुत ज़्यादा बदबू। पुरानी बातों में यदि बदबू है तो उसे वर्तमान की सुंदर बातों की सुगंध से समाप्त कर दें। देखिए कितना सुंदर नाटक है। हर आत्मा यहाँ अपना अपना भाग्य लेकर आई है। हर एक को उनकी योग्यता और शक्तियों के अनुसार पार्ट मिल गया है। लोग सोचते हैं भगवान ने इसको ये पार्ट क्यों दिया, ये क्यों दिया। भगवान ने किसी को ऐसे ही नहीं दे दिया। जैसे कोई डायरेक्टर भी एक्टर्स का सिलेक्शन करता है तो उसकी योग्यताओं के अनुसार ही उसे पार्ट दिया जाता है। इस ड्रामा में भी कौन कितना शक्तिशाली है, कौन कितना पवित्र है, कौन कितना सद्गुणों से भरपूर है और किसके पास कितनी आत्मविश्वास और आत्मबल है, कौन निर्णय लेने में परफेक्ट है, किसके पास परखने की शक्ति है, कौन अपने कार्यों को चुस्ती के साथ करता है, ये सब मापदंड हैं किसी के भी पार्ट के निश्चित होने के। किसके पास कितनी बुद्धि है, बुद्धि की श्रेष्ठता भी मनुष्य के पार्ट को निश्चित करती है। किसके पास धर्म का बल है, किसके पास कवित्व है, किसके पास गायन शक्ति है, किसके पास लेखन शक्ति है, ये योग्यताएं भी मनुष्य के पार्ट को निश्चित करती हैं। तो आइए हम इस ड्रामा के खेल को साक्षी होकर देखें और याद किया करें कितना सुंदर खेल चल रहा है। कई लोग सोचते हैं क्या भगवान इस नाटक को बदल नहीं सकता, क्या हमारे पार्ट को बदल नहीं सकता, बदले क्यों? ये तो सब एक्यूरेट चल रहा है। जो हो रहा है वो परफेक्ट है, वही सत्य है, वही होना चाहिए। बदलने की मार्जिन तो वहाँ होती है जहाँ कुछ गड़बड़ हो।
इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है, तो पूर्णतया साक्षी हो जाएं और अपने को ड्रामा का हीरो एक्टर जानते हुए, मानते हुए अपने पार्ट को एंजॉय करें। तो आज का हम स्वमान रखेंगे, मैं इस विशाल ड्रामा का हीरो एक्टर हूँ, मेरे पार्ट को सारा संसार देखता है, एक एक क्षण का मेरा पार्ट बहुमूल्य है, बहुत कीमती है, मुझे फॉलो करने वाले करोड़ों मनुष्य आत्माएं हैं। अपने को ऐसा जिम्मेदार समझते हुए आज इस स्मृति में रहेंगे और अभ्यास करेंगे बाबा की परम धाम से शांति की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और सारा दिन इसका आनंद लेंगे। ओम शांति।